Good morning, students. How are you all? In the last lecture, I took your online test and the result was good, but some points are left. So, today we will go through that chapter again. So, it is the revision lecture, revision video of this second chapter. Okay. So, let us start better. If we talk about the activities, so on the basis of activities means we do many activities and specially in this we see economic activities means what are economic activities means the activities which we do for the earning for monetary gain okay so on the basis of these economic activities we can classify it the sector into three parts first primary sector सेकेंड सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड वन इज टॉर्चरी सेक्टर ओके सो प्राइमरी सेक्टर मीन्स प्राइमरी सेक्टर्स मीन्स वो सारी एक्टिविटीज जो हम नेचर को यूज कर करके करते हैं मीन्स दिस फर्स्ट सेक्टर इट इज़ एसोसिएटेड विद नेचर लाइक हमारी फार्मिंग है फार्मिंग हम लैंड को यूज़ करते हैं ना मीन्स लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स ओके एंड नेक्स्ट थिंग फोरेस्ट्री फोरेस्ट दीज आर नेचुरल रिसोर्स ना एंड नेक्स्ट थिंग इफ यू टोक अबाउट द मिल्क दैट इज प्रोवाइडेड बाय एनिमल्स एंड एनिमल्स आल्सो गॉड गिफ्टेड नेचुर गिफ्ट हैं एंड इफ यू टोक अबाउट माइनिंग मीन्स इफ यू एक्सटेक्ट मिनरल्स सी मिनरल्स ऑल्सो बिकॉज मिनरल्स ऑल्सो द नेचुरल रिसोर्स ना सो बेटर दीज ऑल आर दी नेचुरल एक्टिविटीज मीन्स फॉर दीज एक्टिविटीज वी डिपेंड ऑन नेचर सो सबसे फर्स्ट मीन्स विदाउट एनी मशीन विदाउट एनी चेंज वी यूज दिस डायरेक्टली ना सो दीज रिसोर्सिज दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज लाइक हमारी फोरेस्ट्री है फिशिंग है हमारी फार्मिंग है ओके सो दीज ऑल वी इंक्लूड इन दिस प्राइमरी सेक्टर ओके एंड द प्राइमरी सेक्टर इट इज the related sector also and it is known as agriculture sector also now why related sector means it related to other sector means secondary sector also it provides the raw material to secondary sector understood now come on second secondary sector okay Se sa secondary and sa second number सो so, जो सेकंड नंबर पे आते हैं मींस प्राइमरी हमने नेचर को से मींस नेचर को एक्सप्लॉयट किया नेचर को यूज़ किया नेचर से जो एक्टिविटी है वो हमारी प्राइमरी में आ गई आफ्टर नेचर मींस सम थिंग्स वी कैन नॉट यूज़ डायरेक्टली लाइक कॉटन ग्रो किया हमने ठीक है कॉटन प्लांट बना हमारा बट वी कैन नॉट यूज़ दर्थ कॉटन प्लांट डायरेक्टली कॉटन डायरेक्टली कॉटन बोल को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते ना देन हम क्या करते हैं कॉटन बॉल्स जो होती हैं वो इंडस्ट्रीज में जाती हैं मशीनरीज के थ्रू उनसे थ्रेड बनता है देन क्लॉथ बनता है देन फाइनली वी यूज देम ना सो बेटा इन सेकेंडरी सेक्टर वी कैन से दिस सेक्टर मैनुफैक्चरिंग सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑल्सो बिकॉज इन दिस ऑल दी मशीनरीज ऑल दी इंडस्ट्रीज वी कैन इंक्लूड इंडस्ट्रियल सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर द सेकेंडरी सेक्टर जो सेकेंड नंबर पे आता है उसका मेन पर्पज़ क्या होता जो first, जो जो है जो फर्स्ट जो प्राइमरी सेक्टर से जो थिंग्स हैं जो उसको रॉ मटेरियल एज अ रॉ मेटेरियल जो मिली हैं उनको यूजेबल थिंग्स में मीन्स ट्रांसफॉर्म करना मेन काम क्या करता है ये थिंग्स को ट्रांसफॉर्म करता है उनको यूजेबल बनाता है सो अंडर बेटा सेकेंडरी सेक्टर मीन्स सेकेंड्री सेक्टर में मेनली क्या चलता है प्रोसेस मैन्यूफैक्चरिंग ओके so now next thing and that is third after these means हमने जो things थी उनको produce किया with the help of nature and next thing हमने machinery के through उनको usable बनाया product में change किया अब what we need we need ट्रांसपोर्टेशन वी नीड कम्युनिकेशन मीन्स हमारे पास इतना प्रोडक्ट जो है वो बना हुआ है हमने इतनी सारी प्रोडक्शन की है सपोज़ हमने इतना सारा वीट प्रोडक्ट ग्रो ग्रो किया है हमारे पास वीट का प्रोडक्शन हुआ है बहुत ज़्यादा हमारे घर में रूम्स भरे हुए हैं ऐसे ही इफ़ यू टॉक अबाउट द इंडस्ट्रीज़ की इंडस्ट्रीज़ ने अपना बहुत सारा प्रोडक्शन किया है सपोज एक शू कंपनी है उसने बहुत सारे शूज बनाए हैं दैन हाउ दे sale their production okay if we talk about farmer if we talk about the industrialist then they need transportation they need communication they need courier service also they need insurance also they need banking also and for this who provided them services and that is tertiary sector okay so tertiary sector means we can say this service sector and इट हैल्प द प्राइमरी सेक्टर ऑल्सो द सेकेंडरी सेक्टर ऑल्सो विद देयर सर्विसेस अंडरस्टूड बेटा सो नाओ अप टू यर थ्री सेक्टर क्लियर न प्राइमरी सेकेंड्री एंड टर्सरी सो लेट सी प्राइमरी सेक्टर सेकेंड्री सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर सो इफ यू टॉक अबाउट पोटर पोटर यू नो न जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं जो पॉट्स बनाते हैं आप ये क्या करते हैं यूज़ किसको करते हैं जो अर्थ है जो मिट्टी है उसको यूज़ करते हैं और वो क्या है नेचर गिवन है ना नेचर ने दिए हमें सो वी कैन से इट इज इन प्राइमरी सेक्टर नाउ इफ वी टॉक अबाउट टेलर टेलर क्या यूज़ करता है ये मशीन यूज़ करता है ओके okay, और मशीन की हेल्प से क्या रेडी करते हैं रेडीमेड क्लोथ्स सो वी कैन इंक्लूड दिस इन सेकेंडरी सेक्टर बिकॉज जो प्रोसेस होता है जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो किस में आती है हमारी सेकेंडरी में एंड थर्ड थिंग कुरियर बॉय अब कुरियर बॉय ना तो कुछ ग्रो किया उसने ना ही कुछ उसने प्रोड्यूस किया ना ही कुछ उसने प्रोडक्ट बनाया उसने सिर्फ क्या किया है आपका कुरियर आप तक दिया है ना इट मीन्स उसने हेल्प की है अपनी सर्विस के थ्रू सो इट इज़ इन टर्सरी सेक्टर अंडरस्टूड सो नाओ बेटा आफ्टर दिस वी लर्नट दिस जी डी पी ऑल्सो अर्लियर ऑल्सो ओके So again, we will discuss about this GDP. So GDP, GDP means Gross pro Domestic Product. Domestic means, jo country within country we produce the things and services. Understood? So we include this. Gross means to total. Total means in this we include final goods and services. Okay. So Gross Domestic Product, all the things or services those are produced within the country we can include in this GDP and in GDP we talk about in GDP we add final value of goods and services understood what we add final value of all goods and services. Now in this one more important thing is that first though we do not count the numbers of things, okay. We add only the value of the things. And in the last lecture, means when we discussed this GDP, I told you, I gave you the example of car and the nails, okay. So, in GDP, we add only the final value, value not numbers of all the goods and services those are produced within the country.

वैल्यू है वो सार सब कुछ उसमें ऐड है ना सो दैट इज फाइनल सो वी एड दैट फाइनल वैल्यू दैट फाइनल वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट इन द जी डी पी अंडरस्टूड सो व्हाट इज जी डी पी डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स मीन्स इन दिस वी एड द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑफ ऑल दी गुड्स एंड सर्विसेज दो आर प्रोड्यूस विद इन द कंट्री नाउ नेक्स्ट हिस्टोरिकल चेंजेस इन दिस सेक्टर means where historical changes in these three sectors in these three sectors if we talk about in of our country or we talk about of the world then better at initial stage which sector was important the primary sector if we talk about our country so after independent we depend on this first okay so because for raw material also industry depend on this na? so firstly at initial stage if you talk about in the starting the primary sector was important but after the change of time if we talk about the last 100 years then which sector became the important this tertiary sector this sector and so this is the important historical changes that firstly primary sector was important but nowadays tertiary sector important because in tertiary sector all the basics requirements like health education we can include na, banking insurance so all the things are included in this service sector so historical changes that firstly primary sector but now tertiary sector now rising importance of the tertiary sector in production now we know very well that the tertiary sector importance in gdp means जो टोटल कंट्रीब्यूशन हमारे जी में है अभी वो किसका है टर्सरी सेक्टर का है ठीक है पहले बहुत ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर का था उसके बाद सेकेंडरी फिर टर्सरी बट स्लोली इतना चेंज हुआ है कि जो टर्सरी सेक्टर है उसका हमारी जी में जो कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज़ हुआ है ओके सो so, उसके रीजंस भी मैंने बताए थे आप लोगों को कि हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं जैसे हमारी हेल्थ है हमारा एजुकेशन है सो so, ट्रेनिंग है तो गवर्नमेंट को अगर अपनी कंट्री को डेवलप करना है तो गवर्नमेंट क्या करती है इन जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती है हमारी उस पर डेवलप कर मीन्स इन्वेस्ट करती है जब इन्वेस्ट करेगी तो अपने आप क्या होगा इनकी जो मीन्स जो टर्सरी सेक्टर है वो इंक्रीज होगा ना उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ेगी जी डी पी में एंड द सेकेंड थिंग आई टोल्ड यू दैट दिस टर्सरी सेक्टर इट इज़ अबाउ द सेकेंडरी एंड टर्स प्राइमरी मीन्स सेकेंडरी जो टर्सरी सेक्टर है उसने अपने दोनों पैर एक सेकेंडरी पर रखा हुआ है प्राइमरी पे रखा जो जब दोनों का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो टर्सरी सेक्टर की वैल्यू अपने आप बढ़ेगी ना बिकॉज जब उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा देन दे रिक्वायर्ड ट्रांसपोर्टेशन दे रिक्वायर्ड अदर थिंग अदर सर्विस सो ऑटोमेटिकली दिस टर्सरी सेक्टर ऑल्सो वेल डेवलप सो दिज आर द रीजन एंड नेक्स्ट थिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑल्सो बिकॉज इन आर कंट्री द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देट इज वेरी मीन्स वी कैन से दैट इज़ वेरी चीप और एट लो लेवल or it is in good in quality so other countries purchase this from us now so these are the reasons we had done earlier also now next thing where are most of the people employed if we talk about our country that in our country where are most of the people employed means which sector provided them employment then i told you that if we talk about gdp

डन बाई दी मशीनरीज ना मशीनरीज की हेल्प से करते हैं और प्रायमरी सेक्टर ऐसा है जहाँ पे लेबर चाहिए जहाँ पे हैंडवर्क चाहिए जहाँ पे परसन्स की रिक्वायरमेंट होती हैं एंड नेक्स्ट थिंग दैट इन टर्सरी सेक्टर द ट्रेंड पीपल द स्किल्ड पीपल दे रिक्वायर्ड ना बट इन प्राइमरी सेक्टर जो एजुकेटड नहीं होते जो ट्रेंड नहीं होते दे कैन ऑल्सो वर्क देअर सो दीज आर द रीजन्ट वेयर आर दी मोस्ट ऑफ द पीपल इम्प्लॉयड इन प्राइमरी सेक्टर ओके सो नेक्स्ट थिंग इन दिस वी है डन डिस अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो सो वट आर वट इज़ दिस डिसज्ड अनएम्प्लॉयमेंट दैट वैन द पीपल वर्क बट दे कैन नाट यूज देअर फुल पोटेंशियल मीन्स वो वर्क तो कर रहे हैं बट वो अपनी पोटेंशियल जितना है उनका मीन्स जितना वर्क वो कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे हैं दैट वी कॉल दैट इज disguised unemployment and in that i gave you example of that field work also and i told you that this disguised unemployment found in all three sectors not in the only primary sector it is found in secondary sector also it is found in tertiary sector also now up to here it is clear number so next see better how can create more employment now the question is this that we know very well that there are unemployment in our country under employment also there the this disguised unemployment in ninth class also we have learned about seasonal unemployment also now so how the government create more employment so in this i told you that if government provided them irrigation facilities means to the farmers then farmers can grow their crops and if they uh, means they gain this irrigation facilities then they need more person in their field so their capacity their potential can be used and in this way they can grow more crops and next thing when government will provide these irrigation facilities then dams canals also re required and for construction work the people's requirement will be there and then Employment will be increased, ok. And then production of crops will increase, then they required transportation, they required marketing, then required credit also. So, by these also the employment can be increased. Na? So, and next thing if government invest in the education, then also the employment can be increased. So, all these things we have done and with the help of for the help of the ruler area, especially the government that started this Mandrega scheme. Firstly, it is known as Narega 2005 Act, but next uh, means new government changed its name now. It is known as manrega and according to this, means initially it is started in 200 districts. But now at present, if we talk about it is started in 644 districts, and according to that scheme, what वट इज देयर दैट गवर्मेंट प्रोवाइड हंड्रेड डेज एम्प्लॉयमेंट टू द पर्सन एंड इफ गवर्नमेंट फेल्स देन वट गवर्नमेंट डू गवरमेंट प्रोवाइड दैट पर्सन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस ओके मीन्स जो भी उसको काम जितना अगर उसको कॉर्म नहीं प्रोवाइड कर पा रही गवर्नमेंट तो बदले में उसको पैसा तो देना ही है जितना उसका बनता है हंड्रेड डेज का ओके सो अंडरस्टूड दिस दीज आर दफर्ट्स दैट इज डन बाई द गवर्नमेंट नाउ नेक्स्ट थिंग वी लर्न अबाउट दिज सेक्टर ऑल्सो ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर सो बेटर ऑर्गेनाइज आई टोल्ड योर लेर ऑल्सो ऑर्गेनाइज मीन्स सिस्टमेटिक ओके अनऑर्गेनाइज मीन्स नॉट सिस्टमेटिक सिस्टम है जहाँ पर रूल है जहाँ पे रेगुलेशन है जहाँ पर गवर्नमेंट की सुपरविजन है वी कोल्ड दैट सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है अब गवरमेंट का कंट्रोल है गवर्नमेंट के अंडर है गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट की सुपरविजन है रूल्स है रेगुलेशन है देन देयर विल बी जॉब सिक्योरिटी देर विल बी हेल्थ फैसिलिटीज देर विल बी बेनिफिट्स ऑफ अदर ऑल्सो लाइक सैलरी बेनिफिट हॉलीडेज पैकेज ऑल्सो एंड मीन्स आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन फैसिलिटीज ऑल्सो सो ऑल दीज थिंग्स हियर इन दिस ऑर्गेनाइज सेक्टर ओके नाउ नेक्स्ट थिंग अनऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज not systematic no government supervision no registered by the government okay so what happened here no job security next no good salary next no other benefit okay so understood that all these things we have learnt now about these sectors now next thing public sector and private sector means ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप यू वी टॉक अबाउट देन प्राइवेट एंड पब्लिक प्राइवेट मीन्स अगर हम अपने बारे में बात करें प्राइवेट मीन्स जो हमारा जो पर्सनल जो थिंग्स होती हैं दोज आर प्राइवेट ना सो प्राइवेट मीन्स द थिंग्स द इंडस्ट्रीज द सेक्टर दोज ऑन बाय अ पार्टिकुलर इंडिविजुअल और वी कैन से ग्रुप ऑफ पीपल ओके सो एंड नेक्स्ट थिंग इफ यू टॉक अबाउट पब्लिक पब्लिक मीन्स सभी के लिए इक्वली पब्लिक मीन्स दो सेक्टर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, ओके सो पब्लिक सेक्टर मीन्स इट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर इट इज़ ओन्ड बाय इंडिविजुअल और वी कैन से ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऐसा होता है ना कहीं पर चार पाँच लोग मिलकर एक इंडस्ट्रीज लगा लेते हैं मीन्स वो so, हुई तो क्या प्राइवेट ओनर के हाथ में ना गवर्नमेंट का उस पर कोई भी राइट right नहीं है सो so, जो पब्लिक होती है उस पर गवर्नमेंट का राइट्स होता है या फिर गवर्नमेंट की सुपरविजन में होती है वो और दूसरा जो प्राइवेट होता है उस पर एक इंडिविजुअल का डायरेक्ट राइट right होता है ओके नाउ नेक्स्ट थिंग इफ़ यू टॉक अबाउट दिस सेक्टर वी कंपेयर दिस सेक्टर देन द पब्लिक सेक्टर द मेन मोटिव ऑफ पब्लिक सेक्टर इज़ ओनली वर्क फॉर पब्लिक वेलफेयर मीन्स जो गवर्नमेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो इंडस्ट्रीज सेटअप करती है ठीक है जो इंस्टीट्यूस इंस्टीट्यूशन जो लगाती है गवर्नमेंट उनका मेन पर्पज़ क्या होता है फर्स्टली दे लुक ओनली द वेलफेयर ऑफ़ द सिटीजन्स एंड आफ्टर दैट द बेनिफिट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द गवर्नमेंट सो फर्स्ट मेन मोटिव क्या होता है वेलफेयर ऑफ द सिटीजन वेलफेयर ऑफ दी पब्लिक एंड इफ़ यू टॉक अबाउट प्राइवेट सी बेटा हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम कोई इंडस्ट्री सेटअप करते हैं हम उसमें ये नहीं सोचते कि दूसरे का कितना फायदा होगा दूसरे को क्या प्रॉफिट होगा उससे पहले हम क्या देखते हैं कि हम ये बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इससे हमें कितना बेनिफिट होगा पहले अपना प्रोफिट देखते हैं ना सो प्राइवेट इंडस्ट्रीज मीन्स मेन मोटिव क्या होता है प्रॉफिट अंडरस्टूड सो दिज आर वी हार डन इन दिस चैप्टर सो बेटा इट इज़ द रिविजन विडी ओनली Okay, so in the next video, we will start next book. So, beta, see, remember all these points about this chapter. Key there are three sectors on the basis of activity. If we talk about on the basis of ownership, then there are two sectors. If we talk about on the basis of employment, on the basis of job security, two sectors: organized and unorganized. Okay and manrega one scheme was there gdp also we learned about this also so all these points we had discussed now it is your duty that you will learn again this chapter okay so it is your homework that today you will learn again all the question answers related to this chapter okay beta so if you want to take screenshot then take please